हेलो फ्रेंड्स, फैंटेसी एक्सपर्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार फिर से मैं मैच नंबर 12 जीटी वर्सेस एसआरएच का प्रेडिक्शन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम ऐसी प्रेडिक्शन करेंगे, सिर्फ जीएल के लिए प्रेडिक्शन करेंगे और एसएल का टीम मैं आपको टेलीग्राम पर दूँ। यहाँ पर सिर्फ जीएल का हम प्रेडिक्शन करेंगे, तो पूरे स्टेट्स जानेंगे, वेन्यू कैसा है, पिच कैसा है, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, उसी पर से हम एक टीम बनाएंगे और मैं आपको ऐसी टीम बना के दूंगा जो कि आपको जिताएगी। तो बिना देरी किए शुरू कर देता हूं मैं वीडियो। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो यहां पर देखिए पिच रिपोर्ट है, वो है थोड़ा सा बैटिंग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा रह सकता है विकेट। साथ ही में यहाँ पर स्पिन बॉलर और फास्ट बॉलर को थोड़ा सा हेल्प रहता है, फास्ट पेस बॉलर को ज़्यादा हेल्प यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस सीज़न में जो एक मैच हुआ उसमें। उसकी बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए जीटी वर्सेस एमआई का जो पहला मैच अहमदाबाद के ग्राउंड पर हुआ था, उस वेन्यू पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जीटी ने 168 बनाए थे और एमआई 162 पर, जो कि 9 विकेट थी और 6 रन से ये मैच वो हार गए थे। जिसमें देखिए आप पेसर्स ने, यहाँ पर नोट कीजिएगा, पेसर्स ने यहाँ पर 13 विकेट लिए और स्पिनर्स ने सिर्फ 2 विकेट्स लिए। तो पेसर का जो है वो वहाँ पर ज़्यादा रहता है, जो है कंडीशन उन्हें काफ़ी जो है सूट करती है, तो वहाँ पर पेसर्स को आप रख सकते हैं टीम में। यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर मैचेस हुआ है 28 मैच यहाँ पर आईपीएल के हुए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करते हुए 14 बार जीती और बैटिंग चेज करते हुए 14 बार जीती, मतलब बराबरी का मुकाबला रहता है, कोई भी किसी को एडवांटेज नहीं है। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड बराबर रहता है मुकाबला यहाँ पर। और हाईएस्ट टोटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हुआ है 233, जो कि जीटी ने किया था 2023 में, और लोएस्ट टोटल हुआ था वो हुआ था 102, जो कि आरआर ने किया था 2014 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो रिसेंट जो होते हैं मैचेस सीजन में, जैसे यहाँ पर पिच हमें अच्छे को देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो टाइप की विकेट्स होती है, रेड सॉयल और ब्लैक सॉयल। तो जो ब्लैक सॉयल है वहाँ पर बॉल फंस के आता है, पेसर्स का बॉल फंस के आता है, स्पिनर्स को थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है, और रेड सॉयल का विकेट होता है वो बैटिंग के लिए अच्छा होता है। लेकिन आईपीएल में दोनों विकेट हमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे, चाहे रेड सॉयल हो या ब्लैक सॉयल हो, बैटिंग के लिए यहाँ पर अच्छे विकेट देखने को मिलेंगे। फॉर एवरेज इनिंग फर्स्ट इनिंग्स की स्कोर की बात करते हैं, यहाँ पर 172 है और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर यहाँ पर 156 है। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा स्कोर हमें देखने को मिलता है। और इस ग्राउंड के अगर मैं इस वेन्यू पर स्टैट्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए शुभमन गिल का रिकॉर्ड यहाँ पर देखिए 700 रन इन्होंने 13 इनिंग में किए हैं और साथ में 200 और 350 किए हैं। तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर इस वेन्यू पर शानदार रहा है और यहाँ पर वो अच्छे खेलते हैं, लोकल प्लेयर है, मतलब जो उनकी जो फ्रेंचाइजी है उस हिसाब से यहाँ पर वो लोकल प्लेयर है, तो वहाँ पर वो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। अब एक बार बॉलर की बात कर लेता हूँ मैं, मोहित शर्मा के यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड 22 विकेट्स यहाँ पर ले चुके हैं अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और 10 रन पर 5 विकेट एमआई के खिलाफ 2023 में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। तो उनकी ये पिच है उनको काफ़ी जो है सूट कर रहा है और यहाँ पर वो विकेट लेते ही लेते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे और हो सकता है कि इस मैच में भी वो एक अच्छे बॉलर और की प्लेयर हमारे लिए साबित हो। तो सबसे पहले हम प्रोबेबल 11 देख लेते हैं, प्रोबेबल 12 एक्चुअल में देख लेते हैं, इंपैक्ट प्लेयर का रूल है। तो यहाँ पर मैं देखता सबसे पहले जीटी का जो प्रोबेबल 11 है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो जीटी का जो प्रोबेबल 11 है उसमें सबसे पहला नाम है वृद्धिमान शाह का, जिन्होंने लास्ट मैच में किया था 19 और रिसेंट जो मैच हुआ था उसमें 21 किया था, जो पहला मैच हुआ था उसमें 19 और दूसरे मैच में 21। तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें इस बार अपनी टीम में पिक ना करें, रिद्धिमान शाह को आप छोड़ दें। बात करूं यहां पर शुभम गिल की, तो उन्होंने पहले मैच में किया था 31, दूसरे मैच में किया था 8। तो उनका इस जो पर्टिकुलर इस वेन्यू पर जो उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, तो वो अपनी टीम में होने ही चाहिए। मुझे लगता है कि कल वो 40+ स्कोर करेंगे यहाँ पर। शुभमन गिल यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कल हमें शायद दिख सकते हैं। अब शाही सुदर्शन की बात करूं, जो पहला मैच हुआ था उसमें 45 और दूसरा मैच हुआ था उसमें 37। तो आप शाही सुदर्शन को पिक कर लीजिए, मेरा जो है ड्रीम 11 के हिसाब से सबसे फेवरेट प्लेयर है। ये टिक कर खेलने वाले बल्लेबाज हमें ड्रीम टीम में आकर ही दिखाते हैं।
तो इन्हें आप ज़रूर पिक कर लीजिएगा। जो धीरे से खेलते हैं वो 30-40 रन बनाते हैं और इजीली ड्रीम टीम में इजीली आ जाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से पिक कर लीजिएगा। हो सकता है आउट भी हो जाए जल्दी कल के मैच के लिए, लेकिन हमें उन्हें पिक ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो अच्छा खेलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विजय शंकर की बात करूँ, जो पहला मैच हुआ था उसमें 6 और दूसरे मैच में 12, तो उन्हें आप पिक बिल्कुल मत कीजिएगा। विजय शंकर अच्छा नहीं कर रहे। चौथे नंबर पर आकर जो लास्ट सीज़न हुआ था उसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस सीज़न में मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। अब उमर जाई की अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। पहले मैच में यहां पर अहमदाबाद में हुआ था उसमें उन्होंने 70 रन्स किया था, साथ ही में 2 विकेट्स लिया था, और जो लास्ट मैच हुआ उसमें 11 रन्स किए थे और एक भी विकेट उन्हें नहीं मिला था। लेकिन इस वेन्यू पर आप उन्हें ज़रूर से पिक कीजिए, उनमें बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, तो उमर जाई को आप मिस मत कीजिए। ऑलराउंडर है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप उन्हें बना सकते हैं। बहुत कम लोगों ने बनाया है, मैंने देख चुका हूँ, मैं अभी टीम मैंने बनाई थी तो उसमें मैं देख चुका हूँ, तो उमर जाई को बहुत कम लोगों ने एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन पिक किया है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं ज़रूर से। यहाँ पर अब डेविड मिलर की बात करूँ तो जो पहला मैच हुआ था उसमें 12, दूसरे मैच में 21, तो आप चाहे तो डेविड मिलर को भी ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम से, उन्हें आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर राहुल त्रिवेटिया की बात करूँ तो 22 और 6, वो नीचे बहुत आते हैं बैटिंग में, तो आप चाहे तो इन्हें छोड़ सकते हैं। राहुल त्रिवेटिया बॉलिंग करते नहीं है और बैटिंग में काफ़ी नीचे आते हैं, उनकी बैटिंग आए ना आए, और आए तो भी 20-25 रन ही कर सकते हैं, शायद आ जाए ड्रीम टीम में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप रिस्क ले, तो आप राहुल त्रिवेटिया को आप ड्रॉप कर दीजिए अपनी टीम में। अब रशीद खान की बात करूँ, यहाँ पर देखिए पहले मैच में उन्होंने 4 रन बनाया था, एक भी विकेट नहीं ली थी, जो रिसेंट मैच हुआ चेन्नई में उन्होंने 2 विकेट्स लिए, तो आप चाहे तो इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। रशीद खान थोड़े से फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे, तो आप उन्हें पिक कर लेना। अब आर शाही किशोर की अगर मैं बात करूं, पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में 1 विकेट, यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी सी कम हेल्प होती है, तो आप चाहे तो इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम से, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें ना रखिए अपनी टीम में। अब उमेश यादव की बात करूं, पहले मैच में 2 विकेट, लास्ट जो मैच हुआ था उसमें 0 विकेट्स हुए थे, तो मैं चाहता हूं कि उमेश यादव को भी आप छोड़ दें इस मैच के लिए, मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। हो सकता है पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्पेंसर जॉनसन के साथ जाइए, पहले मैच में 2 विकेट लिए थे, जो लास्ट मैच हुआ उसमें 1 विकेट लिया, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, हो सकता है कि यहाँ पर भी 2+ विकेट वो हमें लेकर दिखाए। तो स्पेंसर जॉनसन काफ़ी बाउंस करता है, हिट द जो डेक वाला बॉलर बोलते हैं वो है, और वो अच्छा पेस भी जनरेट करता है, तो आप स्पेंसर जॉनसन को अपने साथ लेकर चल सकते हैं अपनी टीम में। अब मोहित शर्मा की बात करूँ, यहाँ पर 2 विकेट्स 1 विकेट्स, अहमदाबाद में उनका रिकॉर्ड शानदार है, तो आप मोहित शर्मा को पिक कर लेना, वो कल भी हो सकता है कि विकेट अच्छे ले, 1+ या 2+ विकेट हमें लेकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 प्लेयर्स पिक कर लिए। एक बार अब हम SRH का जो है वो देख लेते हैं, प्रोबेबल 11s। तो यहाँ पर देखिए ट्रेविस हेड सबसे पहला नाम है, पहला मैच वो खेले नहीं थे, दूसरा मैच में उन्होंने 62 किया था, तो आप चाहे तो उन्हें पिक कर लेना, ट्रेविस हेड को आप पिक कर लेना, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे, हो सकता है अहमदाबाद में भी उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफ़ी रन्स किए थे, तो आप चाहे तो ट्रेविस हेड को पिक कर लेना। मयंक अग्रवाल पहले मैच में 32, दूसरे मैच में 11, तो आप चाहे तो मयंक अग्रवाल को छोड़ सकते हैं, उनका फॉर्म अभी शानदार हमें देखने को नहीं मिला है, तो आप चाहे तो उन्हें छोड़ देना। अब देखिए अंकित शर्मा की बात करूँ, पहले मैच में 32, दूसरे में 63, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं अपनी टीम में, वो अच्छे फॉर्म में है, अच्छी जो है उनकी बैटिंग चल रही है, तो आप उन्हें पिक कर लेना। अब यहाँ पर देखिए हेनरी क्लासन 63-80, कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट होगा अगर वो आउट हो जाए तो सस्ते में, आप हेनरी क्लासन को ज़रूर से पिक कर लेना अपनी टीम में। अब अब्दुल शमद की मैं अगर बात करूं, पहले मैच में 15, दूसरे मैच में उनका बैट नहीं आया था, जो बैटिंग है उनकी बारी नहीं आई थी, तो आप चाहें तो अब्दुल शमद को छोड़ सकते हैं, बहुत लेट बैटिंग में आते हैं और इतने बड़े नाम हैं, सब फॉर्म में हैं, तो मुझे बहुत कम उम्मीद है कि उनकी बैटिंग हमें देखने को मिले, और आई भी आएगी तो भी 10-15 रन के लिए उनकी बैटिंग आएगी, क्योंकि लास्ट में आते हैं 2-3 ओवर खेलने को मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रन कर सकते हैं वो। अब यहाँ पर देखिए शाहबाज अहमद की बात करूँ, पहले मैच में 16 रन किए, एक भी विकेट नहीं लिया, दूसरे मैच में बैटिंग नहीं आई, 1 विकेट लिया, तो उन्हें अभी मैं जो क्वेश्चन मार्क पर रखा हूँ। अब देखिए पैट कमिंस की बात करूँ, यहाँ पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट्स, तो मुझे लगता है कि वो अब धीरे धीरे
बॉलिंग में रिदम में आ रहे हैं, तो आप पैट कमिंस को ज़रूर से पिक कर लेना अपनी टीम में। अब यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर कुमार की बात करूँ, 0-0, तो आप चाहे तो इन्हें छोड़ सकते हैं। इस बार उनका कोई भी स्विंग नहीं दिखाई दे रहा है, ना पेस दिख रहा है, तो आप भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम से जो है ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टी नटराजन की बात करूँ, 3 विकेट्स, लास्ट मैच में वो खेले ही नहीं, क्यों नहीं खेले पता नहीं, इंजरी था क्या था, कोई रीज़न था, अगर खेलते हैं तो टी नटराजन को पिक कर लेना, अच्छे बॉलर है, इस बार अच्छी रिदम में चल रहे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर से पिक कर लेना अपनी टीम में। अब यहाँ पर देखिए जयदेव उनडकट की बात करूँ, यहाँ पर पहले मैच में वो खेले नहीं थे, दूसरे मैच में, इस मैच में उन्हें 2 विकेट्स मिले थे जो लास्ट मैच हुआ उसमें, तो आप जयदेव उनडकट को भी छोड़ देना, वो उनको अगर विकेट मिल जाती है तो मिल जाती है, लेकिन मार पड़ती है तो बहुत पड़ती है। अगर नटराजन नहीं खेलते हैं तो उनडकट को अपनी टीम में ले लेना, वरना उनडकट को छोड़ देना। तो यहाँ पर से हमने देखिए कितने प्लेयर्स पिक किए, 1, 2, 3, 4 और 5 प्लेयर्स यहाँ से हमने पिक किए और 5 प्लेयर्स यहाँ से पिक किए। और यहाँ पर देखिए मार्क क्रम को मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था, तो इसके लिए मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, अगर आप मार्क्रम को पिक करना चाहें तो मार्क्रम को पिक कर लेना, और अगर नहीं चाहते हैं तो रिद्धिमान शाह को पिक कर लेना। क्या है इससे कि गुजरात का जो बैटिंग है वो भी हमें कवर हो जाएगा, कि 1, 2, 3 हमें मिल जाएंगे, और यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ से मिल जाएंगे, और साथ ही में ऑलराउंडर में हमारे पास पैट कमिंस रहेंगे और रशीद खान रहेंगे, और बाकी के जो है मैंने बताया कि वो बॉलर है वो रहेंगे हमारे पास, तो एक अच्छा कॉम्बो हमारी टीम के लिए बनेगा। तो आप चाहे तो मार्क्रम को ले लेना या फिर रिद्धिमान शाह को ले लेना, तो मैं चाहता हूं कि आप रिद्धिमान शाह के साथ जा सकते हैं। तो हमारी टीम कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिख रही है, आप एक बार देख लीजिए, यहां पर रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, रशीद खान, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, 6 हो गए। यहाँ पर देखिए SRH में ये हमारे ट्रेविस हेड 7th, अंकित शर्मा 8, क्लास एन 9, पैट कमिंस 10 एंड नटराजन 11। तो हमारी 11 की जो प्रॉपर टीम है वो बनती हुई दिख रही है। मैंने फास्टर्स को ज़्यादा कवर किया है, स्पिनर्स में एक रशीद खान को सिर्फ कवर किया है, क्योंकि वो एक अच्छे स्पिनर है, तो आप उन्हें पिक कर लेना। साथ ही में अगर आपको लगता है कि मार्कंडे उनसे अच्छा कर सकते हैं तो आप मार्कंडे को पिक कर लेना, रशीद खान को ड्रॉप कर देना। तो ये हमारी फाइनल 11 कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं GL के लिए जो कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कल के मैच के लिए, तो वो होगा मेरे लिए जो सबसे पहला जो नाम है वो रहेगा मेरे लिए हेनरी क्लासन को आप अभी भी एक बार कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर रिस्क ले सकते हैं, और साथ ही में कल शुभमन गिल को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, हो सकता है एक बड़ी इनिंग उनकी तरफ से हमें देखने को मिले। साथ ही में ओमर जाई जो कि मेरे फेवरेट है पर्सनल, उन्हें आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो आप चाहे तो कैप्टन के तौर पर, मैं GL के लिए बता रहा हूँ, तो कैप्टन के तौर पर आप ओमर जाई के साथ चले जाना, और वाइस कैप्टन के तौर पर आप गिल या फिर क्लासन के साथ चले जाना। ये होगा मेरा ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन, ओमर जाई कैप्टन या और वाइस कैप्टन में गिल या क्लासन आप पिक कर लेना। और भी अगर आपको लगता है कि ट्रेविस हेड या फिर आपको लगता है कि पैट कमिंस वो एक अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टन के लिए, तो आप उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो GL के लिए कल है कैप्टन वाइस कैप्टन का जो कॉम्बिनेशन है वो वही यही है, ओमर जाई और गिल या फिर क्लासन। तो कैसा लगा मेरा प्रेडिक्शन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि टॉस होने के बाद जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वहाँ पर मैं 2 टीमें देता हूँ SL और GL की, तो आप ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ अगली फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।